आज हम कक्षा दशम के अर्थशास्त्र विषय में पाठ दो भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक के बारे में आप सभी भैया बहनों से चर्चा करने वाले हैं। इस पाठ में हम सभी जो प्रतिदिन लोग हैं उन लोगों के द्वारा किए जा रहे अनेक प्रकार के आर्थिक गतिविधियों को करते हुए देखते हैं। इन गतिविधियों में कुछ गतिविधियां वस्तुओं का उत्पादन करती है तथा कुछ गतिविधियां अन्य सेवाओं का सृजन करती है। ये गतिविधियां हमारे चारों ओर हर समय हर क्षण हर पल संपादित होती रहती है, यहां तक कि हमारे बोलने में भी। अब प्रश्न खड़ा होता है कि हम इन गतिविधियों को कैसे समझेंगे, तो इनको समझने का एक तरीका यह है कि कुछ महत्वपूर्ण मानदंड जिसके आधार पर हम इन गतिविधियों को अलग अलग समूहों में बांट दें और इन बटे हुए समूहों को हम क्षेत्रक भी कहते हैं, यानी कि हमारे द्वारा जो भी कार्य होते हैं, गतिविधियां होती हैं, उन सभी कार्यों को, उन सभी गतिविधियों को तीन क्षेत्रकों में बांटा गया है। हम कह सकते हैं कि हमारे द्वारा किए गए सभी प्रकार के कार्य, सभी प्रकार की गतिविधि इन्हीं तीनों क्षेत्रकों के अंतर्गत आता है। ये तीन क्षेत्रक हैं, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। इन तीनों क्षेत्रकों के बारे में हम बारी बारी से चर्चा करेंगे, जानेंगे। सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्रक क्या है, इस प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत हमारे द्वारा किए गए कौन से कार्य आते हैं, इसको जानने का प्रयास करते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत वैसे कार्य जो प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित
होते हैं। जैसे कृषि से संबंधित कार्य, अब कृषि से संबंधित कार्य में बहुत सारे कार्य, अनाज का उत्पादन, सब्जी का उत्पादन, फल का उत्पादन, वानिकी है, ये सब कृषि के अंतर्गत आने वाले कार्य हैं। इसके अलावा मत्स्य पालन है, डेयरी उत्पादन है, ये सभी कार्य जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए हम किसी भी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उसको हम प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहते हैं। दूसरी बात, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र में कृषि से संबंधित कार्य महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको कृषि क्षेत्रक भी कहा जाता है। आज के लिए गृह कार्य होगा। क्षेत्रक से आप क्या समझते हैं, पहला। दूसरा, क्षेत्रक कितने प्रकार के होते हैं।